हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा कि यूनिक्स में कैट, सीपी और आरएम कमांड्स के क्या यूज़ है। तो मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए लेक्चर को समझते हैं। कैट कमांड, तो यूनिक्स में आइए देखते हैं कि कैट कमांड का क्या यूज़ है। तो बेसिकली कैट कमांड का यूज़ हम यूनिक्स में एक फाइल को क्रिएट करने के लिए करते हैं, या फिर एक फाइल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए या देखने के लिए भी कैट कमांड का यूज़ करते हैं। और अगर एक फाइल के कंटेंट्स को दूसरे फाइल में ट्रांसफ़र करना है, तब भी हम कैट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, एक फाइल के कंटेंट्स को डिस्प्ले कैसे करते हैं, और एक फाइल के कंटेंट्स को दूसरे फाइल में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो सिंपली कैट कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको लिखना पड़ेगा कमांड का नाम, CAT, और उसके बाद अगर कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसे ग्रेटर दैन लिख करके फाइल का नाम लिखेंगे। तो लेट सपोज मैंने फाइल का नाम दिया अनिल, और अनिल देने के बाद जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो एक अनिल नाम की फाइल जो है मेरे होम डायरेक्टरी में जा कर के सेव हो जाएगी। तो ये आउटपुट में क्या दिखाएगा कि क्रिएट न्यू फाइल विथ नेम ऑफ अनिल। तो आउटपुट में क्या आएगा कि एक नई फाइल बन गई है अनिल नाम से। और अगर इस फाइल को देखना चाहते हैं तो सिंपली ls कमांड चला करके हम होम डायरेक्टरी में देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल है। तो ls कमांड चला करके *.txt करके अगर हम देखेंगे तो जितनी भी फाइल्स होंगी होम डायरेक्टरी में वो सारी फाइल्स की लिस्ट आ जाएगी। तो आपने कैट कमांड चला करके अनिल नाम की फाइल क्रिएट की है तो उसमें अनिल नाम की फाइल भी आपको शो करके दिखाएगा। तो ये तो था फाइल्स को क्रिएट कैसे करते हैं। अब जो है हम चाहते हैं कि एक फाइल के कंटेंट्स को देखना चाहते हैं, तो सिंपली आप यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के आपको कैट कमांड टाइप करना है, और जिस भी फाइल का कंटेंट्स आप देखना चाहते हैं उस फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन के साथ, मतलब यूनिक्स जो है यूनिक्स में फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो .txt होता है। तो आप जो है जिस फाइल का कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो उस फाइल का नाम .txt लिख करके एंटर प्रेस करेंगे। तो ये क्या करेगा कि रमेश .txt फाइल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये हमने देखा कि एक फाइल के कंटेंट्स को कैसे डिस्प्ले कराते हैं। अब एक फाइल के कंटेंट्स को दूसरे फाइल में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपको कैट कमांड टाइप करना है और दो फाइल लेनी है। एक फाइल जिसमें कुछ लिखा हुआ है, तो राम नाम का एक फाइल ली है मैंने, उसमें कुछ कंटेंट्स लिखे हुए हैं, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन इस तरीके से लगा करके एक खाली फाइल लेंगे जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो मेरे पास श्याम नाम की एक खाली एक एम्प्टी फाइल है, तो उसको लिख करके एंटर प्रेस करेंगे तो राम के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो सारा ट्रांसफ़र होकर के श्याम नाम के फाइल में आ जाएगा। तो राम फाइल इज हैविंग कंटेंट इन इट, नाउ कंटेंट ऑफ राम इज ट्रांसफर टू फाइल श्याम। तो राम नाम के फाइल में कंटेंट है, और अब क्या हो रहा है, राम नाम के फाइल के कंटेंट को श्याम नाम के फाइल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये था बेसिकली कैट कमांड के तीन यूज़। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है सीपी कमांड। तो सीपी कमांड क्या करता है, फाइल की कॉपी करता है। कैसे, तो एग्जांपल में देखते हैं। तो वही यूनिक्स के डॉलर कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके आपको टाइप करना है सीपी, और सीपी करने के बाद एक फाइल लेनी है, दो फाइल लेनी है। एक फाइल वो जिसमें आपका कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, और एक फाइल वो लेनी है जो खाली है, एम्प्टी है। तो यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे सी पी चैप 01, इसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और
यूनिट वन ये हमारे पास दूसरी फाइल है और ये इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, या कुछ लिखा हुआ भी है तो कोई बात नहीं। तो ये सीपी कमांड क्या करेगा कि चैप 01 में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो यूनिट वन नाम के फाइल में भी उस चीज को कॉपी कर देगा, उसी कंटेंट को सेम कॉपी कर देगा। तो सीपी चैप 01 यूनिट वन एंटर प्रेस करेंगे तो चैप 01 में जो भी कंटेंट होगा उसकी कॉपी यूनिट वन में भी चली जाएगी। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या कह रहा है कि चैप 01 हैविंग कंटेंट कॉपिंग टू एम्प्टी फाइल यूनिट वन। तो चैप 01 में जो भी कंटेंट है वो कॉपी होकर के एम्प्टी फाइल यूनिट में कंटेंट जा रहा है। अब दूसरा यूज देखते हैं सीपी कमांड का कि और किस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी डायरेक्टरी के किसी फाइल में मुझे कंटेंट को कॉपी करना है, तो हम एक फाइल का नाम लेंगे जिसमें कंटेंट लिखा हुआ है। तो चैप 01 अगेन ले लिया मैंने और इसमें कुछ लिखा हुआ है, और एक हमारे पास डायरेक्टरी है प्रोग्राम प्रॉक्स नाम की एक डायरेक्टरी है और उसके अंदर एक फाइल है यूनिट वन। तो मुझे मान लीजिए एक और डायरेक्टरी है अनिल, अनिल नाम के डायरेक्टरी में भी यूनिट वन नाम की फाइल हो सकती है और प्रॉक्स नाम की डायरेक्टरी में भी यूनिट वन नाम की फाइल हो सकती है। तो जिस भी डायरेक्टरी के यूनिट वन फाइल में हमें कॉपी कंटेंट को कॉपी करना है उस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा मैंने प्रॉक्स, उसके बाद बैक स्लैश लिख करके उसके अंदर जो भी फाइल एम्प्टी फाइल है उसका नाम देंगे, यूनिट वन उसके अंदर एक एम्प्टी फाइल है वो दे करके एंटर प्रेस कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि चैप 01 का जो कंटेंट है प्रोग्राम नाम की डायरेक्टरी में जो यूनिट वन नाम की जो एम्प्टी फाइल है वो कंटेंट इसमें जा करके कॉपी हो जाएगा। तो चैप 01 हैविंग कंटेंट कॉपिंग टू एम्प्टी फाइल यूनिट वन ऑफ डायरेक्टरी प्रॉक्स। तो डायरेक्टरी प्रॉक्स के यूनिट नाम के टेक्स्ट फाइल में जो है चैप 01 का कंटेंट क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। अगला देखते हैं कि कॉपी कमांड को और किस तरीके से कॉपी के लिए यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक डायरेक्टरी है और हम चाहते हैं कि सारे फाइल्स को उस डायरेक्टरी में कॉपी कर दूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीपी कमांड को टाइप करना पड़ेगा और जितनी भी फाइल हमें प्रोग्राम में डालना है मतलब डायरेक्टरी में डालना है उतनी फाइल्स यहाँ पर स्पेसिफाई कर लेंगे। चैप 01 एक फाइल है जिसमें कंटेंट लिखा हुआ है, चैप 02 ये एक दूसरी फाइल है जिसमें कंटेंट लिखा हुआ है, चैप 03 ये तीसरी फाइल है इसमें भी कंटेंट लिखा हुआ है, और हम चाहते हैं कि एक डायरेक्टरी है प्रॉक्स, तो ये तीनों के तीनों फाइल जो है उस डायरेक्टरी में जा करके कॉपी हो जाए। तो इस तरीके से लिख करके लास्ट में डायरेक्टरी का नाम लिख करके एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, चैप 01 फाइल, चैप 02 फाइल, चैप 03 फाइल जो है वो प्रॉक्स नाम के डायरेक्टरी में जा करके कॉपी हो जाएगी। और अगर हम इसे चेक करना चाहते हैं तो एलएस कमांड के थ्रू जा करके हम चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आरएम कमांड का क्या यूज है। तो इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट कमांड है, तो देखते हैं कि आरएम कमांड को कैसे यूज करते हैं। तो आरएम कमांड का जो यूज है वो है किसी भी फाइल को यूनिक्स के अंदर किसी भी टेक्स्ट फाइल को परमानेंटली अगर रिमूव करना है तो उसके लिए आरएम कमांड को यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे, इस कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके हमें टाइप करना है आरएम, और जिस भी टेक्स्ट फाइल को रिमूव करना है उस टेक्स्ट फाइल का नाम लिखेंगे चैप 01 और एंटर प्रेस करेंगे तो चैप 01 नाम की फाइल रिमूव हो जाएगी। और अगर चेक करना है तो एलएस कमांड से जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। तो एलएस कमांड जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पर चैप 01 नाम की फाइल आएगी ही नहीं, या फिर एलएस एस्ट्रिक नहीं नहीं एलएस और चैप और ऊपर एस्ट्रिक लगा करके जब एंटर मारेंगे तो चैप 01 नाम की फाइल जो डिलीट हो गई है रिमूव हो गई है वो शो नहीं करेगी। उसके बाद आरएम कमांड को हम और भी दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं फाइल को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए।
तो वो है सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके आर एम टाइप करना है, और उसके बाद एक जो है कमांड यहाँ पे लिखनी है हाइफन आई। हाइफन आई क्या करेगा कि कंफर्मेशन के लिए पूछेगा कि क्या इस फाइल को मैं डिलीट कर दूं। आप यस करेंगे तो उसको डिलीट कर देगा, फिर दूसरी फाइल के लिए मैसेज शो करेगा कि क्या मैं इस दूसरी फाइल को भी डिलीट कर दूं। यस करेंगे तो दूसरी फाइल भी डिलीट हो जाएगी। फिर तीसरी फाइल के लिए तीसरी फाइल के लिए पूछेगा कि क्या मैं इसको डिलीट कर दूं। फिर आप यस करेंगे तो वो डिलीट कर देगा, नो करेंगे तो नहीं डिलीट करेगा। तो यहाँ पर आरएम कमांड के साथ हाइफन आई को यूज़ करके इसके बाद मल्टीपल फाइल का नाम हम लिख करके टाइप करके एक एक करके सारे फाइल को हम रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि आरएम कमांड के साथ हाइफन आई लिख करके मैंने तीन फाइल का नाम दिया है, चैप 01, चैप 02, चैप 03। अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो चैप 01 को डिलीट करने के लिए मैसेज आएगा कि डू यू वॉन्ट टू डिलीट चैप 01 फाइल। तो हम यस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, नो करेंगे तो नहीं होगा। तो हम करेंगे यस। तो यस करने के बाद चैप 01 डिलीट हो जाएगा। फिर दूसरा मैसेज आएगा कि डू यू वॉन्ट टू डिलीट चैप 02। हम यस करेंगे तो चैप 02 भी डिलीट हो जाएगा। फिर तीसरा मैसेज आएगा डू यू वॉन्ट टू डिलीट चैप 03। हम यस करेंगे तो चैप 03 भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर हम मल्टीपल फाइल्स को एक एक करके डिलीट करना चाहते, रिमूव करना चाहते, तो आरएम कमांड के साथ हाइफन आई को यूज़ करके हम एक एक करके फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। बाकी के यूनिक्स कमांड्स को लेकर के मैं फिर लौटूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।